एक बार टॉप फोर में आपकी जगह फिक्स हो गई है आईपीएल के लीग मैचेस में, तो कोशिश होती है पहले दो स्थान पे जाने की। अब गुजरात वहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है, लखनऊ दो तीन पे राजस्थान है, अगर जीत गया राजस्थान नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है इस वक्त, प्लस में है 0.2 के आसपास, उनका 0.3 है, जीत गया तो नंबर दो पे आ जाएगा। तो लखनऊ यहाँ पे कोशिश करेगा कि भाई अब ख़त्म होने वाला है लीग मैच, तो चलो दो पे ख़त्म किया जाए। सेम सिनारियो राजस्थान के लिए, लेट्स सी कौन जीतता है यहाँ पे, जो जीता वो नंबर दो पे। टॉस यहाँ पर राजस्थान के फेवर में नहीं आया है, हम जीते हैं टॉस, यहाँ पे जाएंगे बैट के साथ। तो लखनऊ सुपर जायंट्स यहाँ टॉस जीतता हुआ पहले बैटिंग को चुनता हुआ पड़ रही है इंट्रो। भाई हमारा टूर्नामेंट खत्म होने वाला है बहुत करीब है हम लोग, मतलब लीग मैचेस को समझो 10 मैच से भी कम बच गए हैं, तो प्लीज़ यहाँ पर लाइक करा देना। अभी भी 1500 लाइक का वो जो चैलेंज है ना वो ऑन है, और अनफॉर्चुनेटली इतने सारे क्रिकेट फैंस होकर भी सब लोग नहीं करा पा रहे हैं यार। राहुल मैं सिक्स के लिए खेल रहा था और वन बाउंस बाउंड्री गई है, नॉट बैंड। मैं वही बोलूं मुझे फीलिंग क्यों अलग आ रही है गेम देख के, भाई एक अपडेट आया था 500 MB का, उसमें कुछ चेंजेस आए हैं, रिप्ले में भी कुछ नए रिप्ले आपको देखने को मिल सकते हैं, अगर आएगा तो मैं डेफिनेटली इस वीडियो में डालूंगा। हालत लेकिन ख़राब हो गई भाई हमारी, 125 पे गिर गई है, 5 विकेट, ना विकेट अच्छे हैं ना रन अच्छे हैं, बदोनी और स्टॉइनिस खेल रहे हैं। अश्विन आई ओ क्यों दौड़ा रहा हूँ, रन बच गया रन आउट होने से, लॉप्टेड लिया तो जा सकता है, बट ये बंदा नाम है अश्विन, ये क्या शॉट्स बीट हो रहे हैं हम लोग, दो बैक टू बैक शॉट, दोनों पे इनसाइड है, दोनों कीपर तक गई है, इजाफा एक भी रनों का नहीं, दबाव महसूस करते हुए हम लोग बहुत जोर से। एक तो हर बार ये ओके दिखा रहा है, ठीक है अर्ली दिखा रहा है इस बार, ठीक है इस बार समझे हम, थोड़ा और लेट खेलेंगे, दिक्कत ये है कि 3 गेंदें जा चुकी हैं उसको समझने में, सोचा था आप लोगों को रिप्ले दिखाऊंगा। अच्छा अच्छा गेंद ही कनेक्ट नहीं हो रही, वाइड बॉल अंपायर, वैलिड गेंद घोषित की गई है, पर शायद रिप्ले दिखा दूं आपको, बड़ा शॉट लेने की इच्छा, रिप्ले आएगा बट ये रिप्ले आएगा गेंदबाजी टीम की तरफ से, विकेट रिप्ले आ रहा है, आउटसाइड एज गई है। गेम अपडेट के बाद अभी मैं क्या कहूं भाई, अभी तो 6 गेंदें वो खेलने के बाद फीलिंग अच्छी नहीं आ रही, नॉर्मल स्टांस पे ही हम लोग खेल रहे हैं, बट ये देखो क्या लगा है शॉट, फाइन लेग शॉट लगता है, थोड़ा कमजोर कर दिया क्या, बदोनी आउट। स्पिनर के ओवर के जाने के बाद मुझे अच्छा लगा कि तेज गेंदबाज आए हैं, उम्मीद करता हूँ स्पिनर से तो बेहतर ही रहेगा ओवर, एक रन ट्रेंट बोल्ट तरह से, अगर बैटिंग चलती रही तो भैया खत्म, आज का वीडियो बहुत छोटा होने वाला है, बीट होते हुए बोल्ड होने से बचे बस। हालत मेरी ऐसी है नहीं कि मैं यहाँ पर लॉप्टेड लूँ, मतलब लॉप्टेड नहीं रिस्क लूँ, वही मतलब यार, बाय का एक कवर खाली हुआ है, यॉर्कर लेंथ है, लगाया है यहाँ पर बाउंड्री, अच्छा लगा देख के, 130 क्रॉस नेक्स्ट टारगेट, अभी तो 150 में रख रहा हूँ कि भाई 150 जाना है जल्दी से जल्दी, उसके बाद टारगेट और भी है 160 170 भी, बट पहला 150 क्रॉस। एरों पे गेंद आई तो है, दिशा भी सही दिखाई, रनिंग जेसन होल्डर की बहुत, अरे थ्रो क्या रखा है यहाँ पे फील्डर ने, होल्डर होते तो शायद दो ले लेते बट स्टॉइनिस से ना हो पाता। चलो अच्छा है अश्विन इस बार राउंड द विकेट आ रहे हैं, अब स्पिनर हैं, अंदर आनी चाहिए थी गेंद, आई भी अंदर बट इतना स्पिन नहीं था कि कनेक्ट कर पाए, डॉट पछाड़ा गेंद फ्लैट है, तेजी से है और 4 की दूरी तय करेगा। चलो अच्छा स्पिनर पे एक बार हाथ खोल दिया ना, अब आई थिंक थोड़ा राहत मिलेगी, फील्डिंग ही चेंज कर दिया यार, बहुत ज्यादा पैरों पे, कोई दिक्कत नहीं, आइडियल शॉट है, 6 रन आई थिंक, अंपायर के इशारे का इंतजार रहेगा। क्या है भाई 4 या 6, स्टॉइनिस भी अभी कंफ्यूज ही लग रहे हैं, बाउंड्री यहाँ पर आती हुई, ये रिप्ले नया नहीं है, बढ़िया वेट करके खेल रहा हूँ अच्छा खासा यहाँ पे, और सही है बाउंड्री मिल रही है, देखो स्क्वायर या फाइन पे सबसे बड़ा गैप है अभी तक सभी गेंदों पर, एक गेंद पे स्क्वायर एक पे फाइन, अर्ली है, अर्ली था, लास्ट मोमेंट पे चेंज किया कि ऑफसाइड खेलेंगे, प्लान नहीं था। आखिरी गेंद अश्विन का, जाता हुआ क्लीन हिट 6 यहां पर, इस बार तो देख के कह दिया है, 150 भी क्रॉस कर गए हैं 18वीं ओवर में, 12 गेंदें बाकी, लेट्स सी क्या अटैक होता है। चलो भाई ट्रेंट बोल्ट की भी थोड़ी बहुत धुलाई कर ही दो अब जितना हो सकता है, यहाँ पर ग्लव्स पे लगती हुई गेंद, 1 रन मिला है होल्डर को, एक बार बहुत गुड लेंथ डाल रहे हैं, गेंद गैप निकालने की इच्छा थी अधूरी रहती हुई, बढ़िया फील्डिंग यहाँ पर, 1 रन पे रुकेंगे,
ग्राउंड शॉट, फिर एक बार बहुत अच्छा शॉट, फिर बहुत अच्छी फील्डिंग यहाँ पर, तो पर इस बार आधा तक दौड़ा दिया था होल्डर को। लास्ट ओवर प्रसिद्ध कृष्णा, और हमने अटैक के साथ शुरुआत की इस ओवर की। कवर पर से चार रन चले गए, झुक नहीं पाए प्लेयर, बहुत लेट झुके या तो ऑलमोस्ट परफेक्ट फील्डिंग चेंज किया है। लेट्स सी पिच क्या आती है। यॉर्कर छे छे, आइडियल 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 फुटबॉल टाइमिंग शॉट चॉइस, कृष्णा शॉक्स और होल्डर रॉक्स। फ्लैट था, मैं डर गया था थोड़ा, 100 मीटर लंबा छक्का था वो। ये एजेस काम करती हुई हमारे फेवर में, चौका 170 क्रॉस। अब भैया एक चीज क्लियर हो गई है, 15 ओवर में ये मैच पूरा ना होने वाला, 150 तक हो सकता है मैक्स, 160 बहुत लक कर गया तो 170 ना हो पाएगा। संजू सैमसन यहाँ समझाते हुए कुछ, कितनी यॉर्कर और कितना लक साथ दे रहा है, दो रन के साथ स्ट्राइक रखेंगे कंटिन्यू होल्डर। अरे बहुत अच्छे दो एजेस लगे, दोनों पे 6 आए हैं टोटल मिला के। आखिरी ओवर अभी तक का सबसे बड़ा ओवर, 18 रन और ये लास्ट गेंद वाइड हो जाए तो मजा आ जाए। दो रन नहीं, वाइड वाइड वाइड, ना ना ना, वैलिड गेंद कही गई है। 177 पे रुकता हुआ यहाँ पर। तब मैं पॉजिटिव बात तो यही कहूँगा कि भाई पहली ओवर खेलने के बाद मुझे नहीं लग रहा था हम 150-160 सोच रहे थे, तो आप 180 के क्लोज पहुँच गए हो, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट्स है। बट यस, स्कोर उतना अच्छा नहीं है, ये एक कड़वी सच्चाई है। 177 पर 6, एक आसान चेज यहाँ पर आता हुआ राजस्थान के लिए। अच्छा परफॉर्मेंस, रियान पराग हीरो बन के निकला, नंबर एक गेंदबाज। चहल मुझे दिखे नहीं गेंदबाजी में, बाकी लेट्स चेज हमारा डिफेंस स्टार्ट करते हैं। राजस्थान स्ट्रॉन्ग टीम, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में चल रही है। यशस्वी जायसवाल, जोश बटलर और सामना होगा यहाँ पर वन एंड ओनली मोहसिन खान का। पहली बॉल पे बैटिंग में चौका मारा था और बॉलिंग में पहली बॉल पे चौका खाया है। इट्स अ सर्कल, लाइफ इज अ सर्कल भाई, जो करोगे वही मिलेगा। एक समय मुझे लगा कि भाई 5 विकेट गिर गए क्या, 5 रन पे 2 विकेट गिर गई थी, वहां से कम बैक किया इन लोगों ने। बटलर भाई एक बार फिर हमारे सरदर्द बनते हुए, और पद्दीकल मिडल ऑर्डर में भी हैरान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है बटलर और पद्दीकल ने ही ओपनिंग की है। 133 पे 2 इस वक्त, ठीक है। लक्ष्य थोड़ा मुश्किल है गेंदबाजों के लिए, सामने बल्लेबाज भी बहुत बढ़िया फॉर्म में, पद्दीकल और बटलर दोनों तरफ से दो ले रहे हैं, मजा आ जाएगी। थ्रो 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 थ्रो, ओवर थ्रो नहीं, थ्रो कह रहा हूँ भाई। 2 रन डायरेक्ट हिट के लिए गए थे बट कामयाब नहीं। गेंदे दूर रख रहे हैं, स्क्वायर कट लगाया, फिर 2 का चांस है। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन टेक इट 2। दौड़ गए इस बार आउट, कम ऑन। अबे लगी नहीं स्टंप्स पे, डिकॉक भीग गए हो क्या भाई, आउट करने का मौका नहीं मिलने वाला। और देखो क्या हो रहा है अगली गेंद पर, रोक लो तो राहत मिलेगी। 3 निकाल लो, 3 निकाल लो, 3 रन है, सीरियसली 3 रन है। हाँ दौड़ा दौड़ा, अरे यार नहीं दौड़ा। 2-2 की लड़ी लगा दी है, हैट्रिक ऑफ 2s और इनसाइड एज पे क्लीन बॉल। पद्दीकल का सपना सेंचुरी का अधूरा रह गया है। अभी भी मैच अगर देखो जीतना है तो आई थिंक विकेट से ही मैं जीत सकता हूँ, जितना ज़्यादा विकेट उतना ज़्यादा चांसेस अप होंगे। गेंद जानबूझ के दूर रख रहा हूँ ताकि इनको खेलने के लिए आगे पीछे होना पड़े, सीधे दूंगा बल्ले पे, आज के दिन नहीं बैठेगा। पद्दीकल 83 का आउट। राइटी के सामने ये स्ट्रेटेजी कितनी चलती है, टॉप स्पिन एडवांस, 26 में 25 में रह गए 33, 8 का अंतर सिर्फ। कप्तान सैमसन ने धमाका किया यहाँ पर। ये बल्लेबाज पवेलियन से सेट होकर आए हैं, नया रिप्ले फाइनली देखने को मिल गया। इतने टफ सिचुएशन में डिसाइड करना कि आपको किस पे भरोसा है, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। आउटसाइड एज काम करती हुई, परफेक्ट जंप था, आइडिया रिलीज था, अच्छी गेंद थी, बट ये एजिस ने गेम बिगाड़ी है। पहली गेंद पे 4 ऐड किया राजस्थान के लिए। बाहर की गेंद चली नहीं थी, अंदर ला रहे हैं, फिर एज निकलता हुआ डॉट के लिए, बढ़िया। इस बार डॉट रही है तो ठीक है, एक और इनसाइड बोल्ड हो जाए, मजा आ जाए इनसाइड। अरे 4 स्क्वायर से दूरी खत्म करने की तरफ बढ़ रहे हैं संजू सैमसन। 21 गेंदों में रह गए से 24 रन। टाइम हुआ है स्लोवर यॉर्कर का, क्रॉस है, 4 जाएगा पूजा। अरे नाइस 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 नाइस, 3 ले लें तो मजा आएगा, लेकिन नहीं, 2 फील्डिंग के लिए भाई, एफर्ट के लिए शाबाशी, क्योंकि रुकता नहीं है जनरली गेंद यहाँ पे। फील्डिंग के हिसाब से नाम मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, बढ़िया फील्डिंग, मतलब ज़्यादा एक्सपेरिमेंट के मौके हैं नहीं मेरे पास, बढ़िया फील्डिंग ने रोके हैं 2 रन 3 रन। यश के पंड्या यहाँ पे आ चुके हैं एक और ओवर करने के लिए, और पहली गेंद फ्लैट है, फ्लैट है। ओए ओए ओए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, यस
यस यस यस, इतना एक्साइटेड तो मैं बहुत रेयरली होता हूँ। पता है क्या गड़बड़ हो गई थी, मेरे को गेंद को राइट साइड ले जाना था, मैं लेफ्ट साइड ले जा रहा था, और जब मैंने मेरे को पता लगा कि भाई ये तो तू गड़बड़ कर रहा है, उस समय भाई इतना मुझे अफसोस हुआ कि भाई मतलब सब माइक्रो सेकेंड में ही हुए हैं सारे इमोशंस। इसीलिए भाई बहुत सही कैच यहाँ पर है। और ये नया एंगल आता हुआ बॉलर का रिएक्शन, भाई क्रिकेट 22 वाले डालो बस इस चीज़ के लिए अपनी पीठ पे थोड़ी शाबाशी दे दो, बाकी गेम तो अभी भी ब्रोकन लग रहा है थोड़ा बहुत। गेम प्ले में एक और नई चीज़ देखी, जब आप साइड चेंज करते हो ना तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेता है गेम। कीपर पीछे आगे हो रहा है क्या, तगड़ा भाई तगड़ा तगड़ा। देखो ये स्ट्राइक पर है, कैच कैच, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, थोड़ा सा नीचे होते ये हमारा विकेट था, नहीं तो हाथों में तो थी, प्लेयर होता तो ये कैच तो होता, बट थे नहीं तो फिर बात क्या। स्टैंडर्ड गेंद, और इस बार बड़ा ब्रेक थ्रू, इस बार बड़ा ब्रेक थ्रू, इस बार सिक्स है ये, दो सिक्सेस बैक टू बैक। अब दिक्कत यही हुई थी लास्ट टाइम, इनका ओवर 5 गेंदों में 6 रन थे, चार गेंदों में 6 थे, लास्ट में 6 आ गए थे। कुणाल पंड्या बहुत हो गई ऑफ स्पिन अंदर लाते हुए, इस बार बाहर, स्टंप्स ओपन, तेजी से जा रहा है, रोकना मेन टास्क होगा, पैरों का ठिकाना नहीं है फील्डर्स के, 4 ऐड करवा दिया यहाँ पे, बटलर बन गए हीरो। टी ओवर में फिनिश करने का प्लान है क्या भाई, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, और यस ऑलमोस्ट फिनिश, अरे फील्डर एफर्ट ही नहीं यार। आप भाई एक्शन रिप्ले डाल दो, कुछ भी डाल दो, बट थोड़ा सा गेम ब्रोकन है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो ये गेम रोज खेलते हैं ना, आई थिंक उनको एहसास होगा, ये जो बक्स है ना ये उन लोगों को कभी एहसास नहीं होंगे, जो लोग 3 दिन में या 2 दिन में एक बार गेम खेलते हैं, ये उन्हीं को एहसास होगा जो ये गेम ज़्यादा खेलते हैं। मेरे ख्याल से मेरे 400-500 घंटे तो हो गए होंगे इस गेम में। ओवर्स में 1 रन, यस मैं 2 ओवर्स में 1 रन कह रहा हूँ, और ये 1 रन इसी गेंद पर आया है, 13 बॉल नीचे दिखा रहा है गेम बग्गू, 2 रन भी दौड़वा रहे हैं, 2 रन तो चाहिए नहीं शायद। यहाँ पे राजस्थान इस मैच को विन करता हुआ 6 विकेट्स के साथ, रैंकिंग डेफिनेटली अप हो सकता है, मैंने पहले कहा था नेट रन रेट काफ़ी अच्छा है, प्लस में चल रहा है, और कुछ 1 पॉइंट से भी 0.1 का से भी कम का अंतर है नेट रन रेट में, तो आई थिंक राजस्थान नंबर 2 पे आ सकता है आज की जीत के साथ, इंटरेस्टिंग होगा देखना। बाकी क्या लग रहा है आपको, टॉप 4 टीमें कौन होगी, मैंने तो अपना प्रेडिक्शन पहले दे दिया था, मतलब हाफ सीरीज़ के वक्त, उसमें से 2 सही होते लग रहे हैं, जीटी और आरआर, मैंने हैदराबाद भी कहा था, लेट्स सी क्या होता है। चौथी टीम के बारे में मैं श्योर नहीं था, क्योंकि लखनऊ भी ऊपर नीचे हो रहा था, आरसीबी भी ऊपर नीचे हो रहा है, और अभी लखनऊ ऊपर है आरसीबी नीचे है, तो आपकी टॉप 4 पिक्स क्या हैं, चलेगा अगर 3 है तो भी चलेगा, मेरी भी 3 ही है अभी तक, तो देखो क्या होता है। बाकी लाइक गोल है 1500 का, मेरा रैंकिंग आपके सामने आता हुआ, सपोर्ट कर देना वीडियो को, मिलेंगे हम लोग अगर 8 डबल हेडर हैं तो भाई लाइव स्ट्रीम नहीं है, बाकी नेक्स्ट डे 3 बजे मुलाकात होगी हमारी डेली की तरह। ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बाय बाय, टाटा, गुड डे।